So hello my friends, this video is all about taking care of your skin during night time, and here I have some of the products what I use, and I will mention everything in the description box. And yes, let's get started. So as you can see, I have wet my face and I am using this Refined Coffee face wash. I will just squeeze it little, this much, rub it nicely, make it a foam, and then apply it. And it smells so good. I will now use a face scrub, and a very little amount, and I will spread it everywhere. Always wet your face before you apply any facial product. Massage with gentle hands, because जहाँ भी आपको pores है वहाँ पर ज़्यादा massage करो circular motion में. और ये अपवर्ड जान दीजिए. एंड लाइक 5 मिनट तक आप मसाज कीजिए, और 5 मिनट के बाद आप उसके बाद मैंने ग्लो मास्क लिया है. मैंने बहुत पतला पतला लगाया है सो दैट ये आराम से पील ऑफ हो जाए और ड्राई जल्दी से हो जाए. और अभी बात नहीं करना है. पील ऑफ करने के बाद मेरे चेहरे पे अच्छा खासा ग्लो आ गया है. बट इसके बाद या तो आप आइस यूज़ कर सकते हो, या तो कोई टोनर से आप अपना फेस क्लीन कर सकते हो. मैं यहाँ पे टोनर लूँगी, और उस टोनर से, बिकॉज मैंने अपना चेहरा पील ऑफ किया है तो उसके लिए बाद में टोनिंग करना बहुत ज़रूरी है. थोड़ा सा हल्का सा चलेगा ये. और इससे भी थोड़ा स्किन में अब्सॉर्ब होने देंगे. हल्के हाथ से इसे मसाज करूंगी. इसकी खुशबू भी अच्छी है. इसे बराबर से मैं अब्सॉर्ब होने दूंगी स्किन पे, क्योंकि ये रात का टाइम है. अगर ज़्यादा सा तेल ज़्यादा भी लग गया तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज ये जितना ज़्यादा रात को आप तेल लगाएंगे, मॉइस्चराइज़र लगाएंगे, उतना आपकी स्किन सुबह में ग्लो देगी. बिकॉज रात को बेस्ट होता है ये सब चीज़ें अप्लाई करना. रात को लगाने से लाइक आपके चेहरे को भी थोड़ा सा रेस्ट मिलेगा. जो प्रोडक्ट्स लगाए हैं वो आपके स्किन में बराबर अब्सॉर्ब हो जाएंगे, और जितना चाहे आप
स्किन में ऑयल लगाइए, मॉइस्चराइज़र लगाइए रात के टाइम पे, आपको सुबह उसका ग्लो पता चलेगा क्या है। इसके खुशबू बहुत अच्छी है। ये मेरा फर्स्ट टाइम है जो मैं ये यूज़ कर रही हूँ, वरना मैं अपना लैवेंडर ऑयल यूज़ करती हूँ हमेशा। इसके साथ ही मैं वेट एंड वाइल्ड का लिप स्क्रब यूज़ कर रही हूँ। मैंने अभी ही इसको अनबॉक्स किया है, तो बहुत थोड़ा मैं लूँगी। और एक टिश्यू के हेल्प से ऐसे पोंछती हूँ। आप चाहे तो वैसलीन लगा सकते हो, आप चाहे तो आपके पास मलाई है या तो प्योर घी है वो यूज़ कर सकते हो, आपके स्किन लिप्स अगर ड्राई हो जाते हैं तो। मेरा लास्ट स्टेप अभी आई क्रीम होगा जो मैंने बायोटिक से मंगाया है। ये बायो सी वीड है, इसके काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स मैंने यूज़ किए और ये बहुत अच्छा है। इसे आज ही मैंने मंगाया है। ये एक जेल बेस है और इसे मैं अपनी फिंगर रिंग से लगाऊंगी और एक अच्छा सा मसाज दूंगी। बाम जैसी खुशबू आ रही है। आई होप ये जो भी मैंने आपको बताया है वो आप करें। अगर आपके पास अगर आई जेल नहीं है, आई अंडर आई क्रीम नहीं है, तो आप जो भी ऑयल है जैसे पैराशूट हो गया या कोई भी ऑर्गेनिक कोकोनट ऑयल है आपके पास, वो अंडर आईज़ बराबर से लगाइए, क्योंकि ये अंडर आईज़ का एरिया जो होता है वो बहुत ज़्यादा ड्राई होता है और मेरे लिप्स के अराउंड भी ज़्यादा ड्राई होता है, तो मैं वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा मॉइस्चराइज़र लगाती हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा जो भी है लाइक वैसलीन है वो लगाती हूँ। और भले से वो थोड़ा सा स्टिकी लगे, मगर उसे लगा के मैं सो जाती हूँ और सुबह तक तो वो स्किन में अब्जॉर्व हो जाता है। और आप यकीन माने कि वो इतना अच्छा लगता है जब सुबह उठती हूँ और जब मेरा फेस एकदम फ्रेश लगता है, तो आई फील गुड, आई फील हैप्पी। लाइक जो मैंने प्रोडक्ट यूज़ किया, आई एम नॉट रियली फ़ैन ऑफ केमिकल थिंग्स। जहाँ तक मेरा ये है, मैं हमेशा घर के प्रोडक्ट्स होम रेमिडीज़ पे ज़्यादा यकीन रखती हूँ, जैसे कुकुम्बर का जूस हो गया मेरे अंडर आइज़ के लिए, और पोटैटो जूस हो गया मेरे फेस के लिए, लाइम हो गया, लींबू, और फिर उसके बाद हनी हो गया, कॉफ़ी हो गई, ये सब घरेलू प्रोडक्ट्स है। अगर इसका भी एक वीडियो मैं बनाऊंगी जो होम रेमेडीज़ होती है वो किस तरह से आप अप्लाई करना चाहिए और कितनी देर तक आप रखना चाहिए। रात को कोई भी प्रोडक्ट्स, ये मैंने आपको नाइट रूटीन इसलिए बताया कि अभी हम सब घर में हैं और लाइक ये सब केमिकल प्रोडक्ट्स है, ये बहुत अच्छे हैं और लाइक बहुत ज़्यादा असरदार है। मगर इसके साथ ही साथ आपके पास जो होम रेमेडीज़ है, जो आपके किचन में इजी से अवेलेबल है, जैसे हल्दी हो गई, कॉफ़ी हो गई, हनी हो गया, ऑलिव ऑयल हो गया, पैराशूट का कोकोनट ऑयल हो गया, या कोकोनट ऑयल साधारण आपके पास हो, आपके पास मलाई हो, घी हो, ये सब चीज़ों से भी आप आराम से फेशियल कर सकते हो और आपकी स्किन की केयर कर सकते हो। ये था मेरा नाइट रूटीन का वीडियो। मैं जो प्रोडक्ट्स बताया है, अगर आपके पास जो भी है, जो भी लाइक फेस वॉश है, अंडर आई क्रीम है, या लिप स्क्रब है, लिप बाम है,
या टोनर है, आप कोई भी ब्रांड का यूज़ कर सकते हो। ऐसा नहीं है जो मैंने आपको न्यूट्रोजना बताया तो आप वही यूज़ करोगे, मैंने आपको नायका का बताया आप वही यूज़ करोगे, नहीं। आपके पास कोकोनट ऑयल भी है तो आप उसी से भी आपके फेस को मॉइस्चराइज कर सकते हो और लगा कर उसे रात को सो जाइए। अंडर आइज़ एरिया मत भूलिए, ये एरिया मत भूलिए, बिकॉज़ ये बहुत ज़्यादा ड्राई होते हैं और जितना आप इनको ऑयल देंगे, जितना आप इनको इनकी केयर करेंगे, ये उतना खिल के आएंगे। ये आपको रिंकल से बचाएंगे, आपको ड्राइनेस से बचाएंगे, आपकी स्किन जो डल होती है आपकी स्किन को डल होने से बचाएंगे और उतना फ्रेश लुक आपको देंगे। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, और प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, प्लीज़ लाइक इट, प्लीज़ वॉच इट, ताकि मेरे को एक मोटिवेशन मिल सके और मैं और वीडियोस बनाऊँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।